स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीक्वेंस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जनरली जब हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये उन ऑब्जेक्ट्स की एक सीक्वेंस है। इसी तरह से जब हम रियल नंबर्स को किन्हीं ऑर्डर में रख रहे हैं तब कहते हैं कि ये रियल सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम जब भी रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो जनरली उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। इट मीन्स जब भी हम सीक्वेंस कह रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि हम रियल सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सीक्वेंस जो लिखी गई है उसके टर्म्स रियल नंबर हैं। अब है कि इसको डिफाइन कैसे किया गया है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से इसकी दी जाती है। A function whose domain is set n of natural numbers and whose range is subset of real numbers. तो ये एक ऐसा function है जिसका domain हमेशा set of natural number है। तो हम इसको पहले समझते हैं कि अगर कोई sequence हमें दी गई है, कोई particular order इस तरह से लिखा हुआ है 2, 2 square, 2 cube, तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में टर्म्स लिखी गई हैं। ये टर्म्स जब आगे चलती हैं तो हम इसको बता पाएंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, उसके बाद टर्म क्या आएगी। तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। पर्टिकुलर ऑर्डर होने की वजह से ही हम आगे की टर्म इसमें बता पाएंगे। तो हम कहेंगे कि एक सिक्वेंस तो है, एक ऑर्डर तो है, लेकिन इसमें जब हमसे टर्म पूछा जाए फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, इट मीन्स हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, सेकंड टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म की बात करते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। हम कभी भी किसी भी सिक्वेंस के लिए ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि इसमें कोई 2.5th टर्म है या इसमें 3.1th टर्म है। बस ये कह पाएंगे कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। इट मीन्स हम इसको एसोसिएट करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। इसी को अगर हम इस फंक्शन फॉर्म में लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमारा डोमेन होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और यहां पर जो इसकी टर्म्स हैं 2, 2 square, 2 cube, 2 power 4 एंड सो ऑन। तो ये 2 इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इट मींस हमेशा यहां पर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे, पर यहां पर जो है ये नंबर्स बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये नेचुरल नंबर हो, ये रेशनल हो, इरेशनल हो, यानी रियल नंबर का कोई भी सबसेट। तो जो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे या हम कहें कि जो इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जो इसका डोमेन है वो नेसेसरी है कि वो हमेशा नेचुरल नंबर्स का सेट ही होगा। सीक्वेंस को फाइनाइट और इनफाइनाइट इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं, और इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं। हम यहाँ पर जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, और इसका कॉन्सेप्ट तभी इम्पोर्टेंट होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट ली जाए। इट मीन्स अंडरस्टूड है कि जो भी अब हम सीक्वेंस कह रहे हैं वो सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म्स की है, और उसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और उसका रेंज सबसेट है रियल नंबर्स का। तो ये हमने डिफाइन किया अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड हुज रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां पर जो ये नंबर्स लिखे हैं ये नंबर्स हमेशा रियल नंबर्स ही होंगे। इट मीन्स दिस इज सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर इनको सीक्वेंस को हम अलग अलग कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। अ सीक्वेंस
कैन बी डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट वेज। उनमें से पहला नंबर है लिस्ट द नंबर्स इन ऑर्डर, यानी आप एक लिस्ट बनाते हैं नंबर्स की इस तरह से कि वो एक ऑर्डर में हो, और ये तब तक लिखा जाता है जब तक कि कंफर्म ना हो जाए कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहीं पर लिखा है तो हमने उतने ही टर्म यहाँ पर लिख दिए जिससे ये अब कंफर्म हो जाए कि आगे इसमें कौन सी टर्म आएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं इसलिए हम यहाँ पर तीन डॉट लगा करके इसको छोड़ देते हैं एंड सो ऑन, जिसका मीनिंग है कंटिन्यू इन द पैटर्न। इसी पैटर्न से आगे की टर्म भी कंटिन्यू है। तो एक तो ये इसको लिखने का मेथड होता है लिस्ट द नंबर्स इन ऑर्डर, और सेकंड है राइट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसकी nth टर्म क्या होगी, s फॉर सीक्वेंस है, n फॉर nth टर्म है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 2 रेज टू द पावर n होगी। जब भी आप nth की बात करते हैं तो ये n हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है। तो फर्स्ट अगर हम टर्म लेते हैं तो n इक्वल टू 1 पुट करने पर s1, मीनिंग इसका मीन होगा कि ये फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की 2 पावर 1। सेकंड टर्म s2 2 पावर 2, सेकंड टर्म n इक्वल टू 3 2 पावर 3। तो इस तरह से ये लिखने का एक तरीका है जिसमें हम सीक्वेंस की nth टर्म को फार्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। और थर्ड उसमें होता है रिकर्जन फॉर्मूला। रिकर्जन फॉर्मूले में हमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर ऐसे मिलता है कि हम उसकी nth टर्म को इस तरह से लिख पाएंगे कि जो उससे पहले की टर्म है उसी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम उसकी nth टर्म नहीं लिख सकते, तो वहां पर हम यूज करते हैं रिकर्जन फॉर्मूला। जैसे इसमें हम इस तरह से समझें 1, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। अब हम इसमें अगर nth टर्म इसकी लिखेंगे तो nth टर्म के लिए हमें इसमें देखना होगा कि एक ऑर्डर जो बनता है कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आता है, लेकिन जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म भी 1 है, और जो इसके बाद की टर्म है वो एक पर्टिकुलर रूल से मिलेंगी। क्या रूल होगा कि जो ये टर्म है वो पहले की जो दो टर्म आई हुई हैं उनको प्लस करने से बनेगी, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 इस तरह से। पर यहां पर अब हम ये डिफाइन करेंगे n > 3, यानी ये तब यूज होगा जब n की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को तीन तरीके से लिख पाते हैं, एक कि उसकी हम एक लिस्ट बना देते हैं नंबर्स की, और लिस्ट उतने नंबर्स तक जरूर बनाते हैं कि उनका जो ऑर्डर है वो क्लियर हो जाए कि किस ऑर्डर में वो रखी गई हैं जिससे हम आगे की टर्म पता कर सकें। सेकंड इसका मेथड है कि उसकी nth टर्म को हम लिख देते हैं, और थर्ड रिकर्जन फॉर्मूला। आप भी इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से ट्राई कर सकते हैं कि उनके nth टर्म को आप लिखें, राइट द nth टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। फर्स्ट 2, 3/2, 4/3 एंड सो ऑन। सेकेंड 1, 2, 3,
10, 29, 66 and so on. Third number, 1 by 2, 3 by 7, 7 by 22, 15 upon 67 and so on. तो आप भी इनके nth टर्म लिख करके ट्राई कर सकते हैं कि किस तरह से हम इनको मेंशन करेंगे.